नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक सुरभि का पाठ दो पढ़ने जा रहे हैं। हार की जीत, अर्थात कभी कभार हम हार कर भी जीत जाते हैं। इस कहानी में वही बताया गया है। यह एक हृदय परिवर्तन की एक ऐसी कहानी है जिसमें साधु के एक वाक्य ने डाकू के हृदय को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ऐसा किस प्रकार हुआ, आओ कहानी पढ़कर जाने। माँ को अपने बेटे, साहूकार को देनदार और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद मिलता था, वही आनंद बाबा भारतीयों को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। उसका वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। उसका जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। यहाँ तक हम जानते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे एक बेटे को देखकर माँ को जो सुख प्राप्त होता है, एक देनदार को देखकर जो एक साहूकार को सुख प्राप्त होता है, और लहराते खेत देखकर जो एक किसान को सुख प्राप्त होता है, वही सुख बाबा भारती को अपना घोड़ा सुल्तान को देखकर प्राप्त होता था। भगवत भजन यानी कि भगवान के भजनों के बाद और जो पुराण, जो गीता, जो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो समय बचता था, उसका वो बाकी समय वो किसको देते थे, अर्पण यानी कि देना। वह बाकी समय अपने घोड़े को देते थे। घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में कोई दूसरा ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते और अपने हाथ से खरहरा करते, यानी कि उसे बाबा भारती सुल्तान से नाम से पुकारते थे और अपने हाथ से खरहरा, प्यार से सहलाना या खुजलाना, आप दोनों कह सकते हो, खरहरा करते थे और हर समय उसका ध्यान रखते थे। बच्चे खरहरा में मतलब कि खुजली करने या किसी डंठल की बनी हुई झाड़ू को भी कहते हैं, जिससे कि मतलब घोड़े की सफाई की जाती थी, कंघी टाइप में होती है, और वह खुद दाना खिलाते, उसे खुद ही दाना खिलाते और उसकी देख रेख कर प्रसन्न होते थे। मतलब वह अपने घोड़े का समय देकर बहुत खुश होते थे। ऐसी लगन, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यार को भी ना चाहता होगा। मतलब जिस तरीके से वह घोड़े को चाहते थे, ऐसा तो कोई प्रेमी, सच्चा प्रेमी भी अपने प्यार को ना चाहता होगा जितना वो चाहते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब। असबाब का अर्थ होता है बच्चे सामान, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन, यानी कि जो हम लोग जीवन जीते हैं ये नागरिक जीवन है, ठीक है, इससे भी घृणा थी। अब वह एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अब वो कहाँ रहते थे, छोटे से मंदिर, गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और हर समय भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना, यानी कि उसके बारे में सोचना भी उनके लिए असहाय थी कि मैं सुल्तान को छोड़ दूँ या ये मुझसे बिछड़ जाए तो वो जो दुख होगा वो उनके लिए सहा नहीं जाएगा, ठीक है, सह ना पाना असहाय होता है किसी चीज़ को। मैं इसके बिना ना रह सकूँगा, बाबा भारती बार बार सोचते थे कि मैं इस घोड़े के बिना ना रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भांति सी हो गई थी, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते हैं ऐसा, वो लट्टू होना मतलब कि मोहित होना, मुग्ध होना। वे उनकी चाल पर मुग्ध थे, मोहित थे। वे कहते थे कि ऐसा चलता है मानो जैसे मोर घनघोर घटा देखकर नाच रहा हो। मतलब वो कहते थे कि वो इस तरीके से चलता था जैसे कि मोर जो है काले बादल या घने बादलों को देखकर नाचने लगता था। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे।
मतलब चकित मतलब हैरान। गांव के लोग जो थे इस प्रेम को देखकर हैरान थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे। कनखियों का अर्थ होता है बच्चे तिरछी नजरों। वो कभी कभार क्या करते थे, तिरछी नजरों से इशारे भी करते थे कि ये तो साधु है और इसका एक घोड़े के प्रति इतना मोह। परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। जब तक वह संध्या के समय यानी कि शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर 14-15 किलोमीटर का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना होता। लोग कुछ भी कहे, उन्हें उससे कोई परवाह ना थी। वो जब तक के घोड़े पर बैठ के 14-15 किलोमीटर का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। बच्चे यहाँ पे डाकू के बारे में वर्णन है। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुँची। कीर्ति यानी कि प्रशंसा। कीर्ति का क्या अर्थ है बच्चे, प्रशंसा। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। मतलब अधीर का क्या अर्थ होता है बच्चे, मचल उठना। अधीर का क्या अर्थ होता है, मचल उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और दंडवत करके बैठ गया। बच्चे दंडवत का अर्थ होता है कि दिखावटी नम्रता के साथ, या आप कह सकते हैं कि दंडवत का साष्टांग प्रणाम जो होता है कि दिखावट के साथ जो प्रणाम करते हैं, करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है, कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये कौन कहता है बच्चे, ये बाबा भारती कहते हैं कि विचित्र मतलब अनोखा जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती क्या कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है यह। खड़क सिंह कहता है क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि। छवि का क्या अर्थ होता है बच्चे, कि उसकी शोभा उसकी सुंदरता अंकित यानी कि छप जाती है, ठीक है, हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा। अभिलाषा का क्या अर्थ होता है बच्चे, इच्छा। इच्छा थी कि और आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल क्या होता है बच्चे, जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है, ठीक है। बाबा ने घमंड के साथ घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखा और सहस्त्रों मतलब कि उन्होंने हजारों की संख्या में घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी ना गुजरा था। मतलब बाका घोड़ा कभी ना गुजरना यानी कि कभी ना देखा, ठीक है। ऐसा बाका घोड़ा, सुंदर। बाका का अर्थ होता है बच्चे अनोखा घोड़ा। इतना सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। उसने कहा ये तो भाग्य की बात है, ये घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। ये जो साधु बाबा भारती है वो साधु थे, तो उसको उन चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी बालकों सी। वो कुछ देर उसे आश्चर्य से देखता है, मतलब हैरानी। आश्चर्य का अर्थ होता है बच्चे हैरानी से देखता रहा और चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके मन में हलचल हुई और बालकों से अधीरता से बोला। अधीरता का अर्थ होता है बच्चे उतावलापन। बालकों से उतावलापन, जैसे बच्चों में उतावलापन होता है जल्दी जल्दी कर दो, तो वही उतावलेपन से बोला। परंतु बाबा जी ने उसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। परंतु क्या उतावला होकर मैं बोला कि बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा जी ने
भी एक मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया था। ठीक है बच्चे, मतलब कि बाबा भी क्या थे, एक मनुष्य है, और मनुष्य की एक व्यवहार होता है या एक ऐसा आशा होती है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति जो उस चीज़ की, उसके पास जो चीज़ है उसकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तो वह खुशी से झूम उठता है कि मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, और उनका हृदय भी अधीर हो उठा। अधीरता का अर्थ होता है बच्चे कि उनका मन भी प्रसन्न हो चुका, यानी कि धैर्य से भर गया कि मेरे घोड़े की इतनी प्रशंसा हुई है तो क्यों ना मैं इसको दिखाऊं। तो वह अधीर हो गए, यानी कि धैर्य खो दिया और घोड़े को खोलकर बाहर आए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे एकाएक, यानी कि अचानक से उचक कर। उचक कर का अर्थ होता है बच्चे उछल कर सवार हो गए, घोड़े पे सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग, वायु वेग का अर्थ होता है बच्चे गति। घोड़ा जैसे हवाई इतनी तेज चलती है, उसकी गति के समान उड़ने लगा, यानी कि दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना यानी कि मुहावरा है बच्चे, मुहावरे का अर्थ, सांप लौटना मुहावरा है जिसका अर्थ क्या था कि किसी से जलन या ईर्ष्या होना बच्चे। ठीक है, तो उसके हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा जलन हुई। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, बाहुबल यानी कि उसके पास बहुत सारे उसके पास बहुत सारी ताकत थी उन, ठीक है, और आदमी थे, और उतने ही अधिक आदमी थे। आते जाते उसने कहा, मतलब जब वो वहाँ से निकला आश्रम से, तो उसने कहा बाबा भारती, यानी कि बाबा भारती से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। उसने क्या कहा बच्चे, मैं यह घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अब उन्हें नींद नहीं आती थी और सारी रात जो है उनके अस्तबल के रखवाली में कटने लगे। क्षण प्रतिक्षण मतलब पल पल खड़क सिंह का भय बना रहता कि कब खड़क सिंह आ जाएगा। परंतु कई माह यानी कि महीने बीत गए पर वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ कुछ लापरवाह हो गए थे। अब उन्हें लगा कि वो बस बोल के गए थे, वह आने वाला तो है नहीं, तो वो थोड़े से लापरवाह हो गए थे। इस भय से भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे थे। यानी कि जैसे कि हम सपने देखते हैं और वो सुबह उठ के क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ जो है ऐसे ही झूठ लगने लगी थी कि वो बस बोल के गया है, ऐसा कुछ करेगा नहीं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उसकी आंखों में चमक थी। वो जब भी अपने घोड़े पे बैठते थे तो वो खुशी की चमक होती थी, मुख पर प्रसन्नता थी और वो खुश थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी रंग को और मन में फूला ना समाते। फूला ना समाना भी बच्चे मुहावरा है, फूला ना समाते मुहावरा है। तो कभी वह शरीर, उसके शरीर को देखते, कभी रंग को, और जब वो देखते तो वह खुशी, उनको बहुत खुशी होती, वह फूला ना समाते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, मतलब अचानक से एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगाले, यानी कि गरीब की भी बात सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। करुणा का अर्थ होता है बच्चे दया। आवाज़ में दया थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया, देखा तो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा, यानी कि बच्चे इसका अर्थ होता है दर्द भरी आवाज़।
करहा रहा था। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा क्या बोले कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। अपाहिज ने क्या कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और मुझ पे दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है। क्या, कौन सा गांव? उन्होंने बोला रामवाला एक जगह का नाम है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पे चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। वहाँ तुम्हारा कौन है? ये कौन बोलता है बच्चे? यह बाबा भारती उससे पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गा दास वैद्य, वैद्य यानी कि चिकित्सक, जो बच्चे पहले जो दवाइयाँ वगैरह बनाते थे उन्हें वैद्य कहा जाता। नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। सौतेला यानी कि दूसरा माँ से जन्मा हुआ। बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती ने क्या किया, उस अपाहिज जिसका कोई अंग नहीं होता बच्चे, किसी के हाथ पैर या आँखों का ना होना, तो वह व्यक्ति अपाहिज कहलाता है, तो उसकी लगाम पकड़ ली उन्होंने, ठीक है बच्चे, और उसे घोड़े पे बिठा दिया। सहसा मतलब अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है, यानी कि चौड़ा होकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है और वो घोड़े को भगा कर ले जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय यानी कि बच्चे आश्चर्य, विस्मय का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। उन्हें डर से और आश्चर्य से और निराशा, दुखी मन से जो चीख निकली, वह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। वो अपाहिज कौन था? वह खड़क सिंह डाकू था, जो कि वो घोड़ा लूट कर ले गया। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। वहीं कुछ देर तो अचंभित रहे, देखते रहे, परंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने निश्चय करके पूरे बल मतलब पूरे जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, ठीक है। पहले उसने घोड़ा रोका और उसकी गर्दन पे हाथ फेरते हुए बाबा जी की तरफ देखते हुए बोला कि यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती बोलते हैं कि एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है, यानी कि कसाई बेटा पशुओं को काटने वाला। जैसे बाबा भारती, वो खड़क सिंह कुछ रुका और बाबा भारती के निकट जाकर उसको ऐसी आँखों से देखने लगा जैसे कि कोई कसाई होता है ना, वो बकरे को जो पता होता है कि ये अब मुझे मार देगा, और वह एक करुणा के साथ या एक घृणा के साथ उसको देखता है, कसाई की ओर देखता है। तो वैसे ही नज़रों से खड़क सिंह बाबा भारती को देख रहे थे और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। क्या कहा? कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, मैं अब तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल यह प्रार्थना करता हूँ इसे स्वीकार यानी कि मानना, मना ना करना, अस्वीकार ना करना बच्चे, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आप आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा अब ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा, मतलब मैं अब घोड़े के बारे में बात भी नहीं करूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि
इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह के मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यानी कि जैसे ही बाबा भारती ने कहा कि यह घटना किसी को भी ना बताना, तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि मुझे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। यानी कि उसने सोचा था कि बाबा भारती से छीनने की कोशिश करेंगे और मुझे इसे लेकर भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या क्या प्रयोजन, यानी कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, यानी कि बहुत ज़्यादा विचार किया, परंतु कुछ ना समझ सका। हार कर उसने अपनी आँखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी। यानी कि अपनी आँखें जो है थक हार कर उसने उनकी तरफ निगाहें से देखा और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है, इस चीज़ से आपको क्या डर है। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि लोगों को जब यह पता चलेगा कि तुमने मेरा घोड़ा धोखे से अपंग और गरीब बन के लूटा है, तो वे किसी गरीब की मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे कि उससे कभी कोई संबंध ही ना था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह की कानों में इस प्रकार गूंज रहे थे, सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं। बाबा भारती तो चले गए, लेकिन खड़क सिंह बार बार उसी चीज़ों पे विचार कर रहा था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं, कि उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका चेहरा फूल की तरह खिल उठता था। कहते थे, इसके बिना रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली के लिए वे कई रात तक सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उसके चेहरे पर दुख की रेखा तक ना दिख पड़ती, ना बच्चे यहाँ पे आएगा, ना दिखाई पड़ती थी। केवल यह ध्यान था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। यानी कि सिर्फ उन्हें यह डर था कि लोग कहीं गरीबों पर यकीन करना ना छोड़ दें। उन्हें अपने निज यानी स्वयं की हानि से बड़ी हानि किस पे किस नज़र में नज़र आ रही थी, इंसानियत की हानि पर नछावर यानी कि त्याग कर दिया था। वो क्या चाहते थे कि जो मनुष्यत्व जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, बेशक घोड़ा चला जाए, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा यानी कि चमक रहे थे। थोड़ी दूरी पे गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था खड़क सिंह सुल्तान की बाघ पकड़े हुए था। खड़क सिंह क्या कह रहे हुए था, सुल्तान की बाघ यानी कि लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी जैसे, कोई वियोगी का अर्थ होता है दुखी, वियोगी का अर्थ होता है दुखी, आँखों की तरह खुला था। यानी कि फाटक किसी दुखी की तरह, दुखी की आँखें, जो कि वियोगी मतलब जो दुखी व्यक्ति होता है वो बार बार किसी जाने वाले का रास्ता देखता रहता है, वैसे ही फाटक अपनी आँखें खोले हुए था। किसी समय यहाँ पर बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय ना था। हानि से उन्हें हानि की ओर से बेपरवाह कर दिया था। यानी कि जैसे ही इस लाइन का अर्थ है बच्चे, हानि ने उन्हें यानी कि जो घोड़ा चोरी हुआ, तो उस चोरी होने से क्या हुआ, हानि की ओर से बेपरवाह कर दिया था। यानी कि अब उन्हें कोई भी और चोरी होने का डर नहीं था, इसलिए वो बेपरवाह सो सकते थे। यानी कि बच्चे, बेपरवाह का अर्थ होता है लापरवाह,
कर दिया था, वो निश्चिंत हो गए थे कि कुछ नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान की ओर और उसके स्थान पर बांध दिया। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अंधकार की रात्रि का तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल पड़े। अंधकार ने यानी कि तीसरा पहर बच्चे, वह पहर जब सुबह होने वाली होती है, जैसे 4 से 6 बजे का चौथा पहर माना जाता है, तो जो 1 से 3 बजे का पहर होता है वह तीसरा पहर होता है रात्रि का, वह ख़त्म होने वाला था और चौथा पहर आरंभ होने वाला था, यानी कि 4 बजने वाले थे। बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल पड़े, जल से स्नान किया, उसके पश्चात स्नान यानी कि नहाए, उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कि कोई स्वप्न में चल रहा हो, यानी कि कोई सपने में चल रहा हो उनके पाँव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पे पहुँच कर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। फाटक पे पहुँच के उन्हें लगा, उन्हें वो महसूस हुआ, मालूम हुआ कि उनका घोड़ा तो चोरी हो गया है। साथ ही घोर निराशा यानी कि बहुत ज़्यादा उदास हुए वे। निराशा ने पाव को मन मन का अर्थ होता है बच्चे, मन मन पुराना तोल होता है कि बहुत ज़्यादा भारी कर दिया था। वे रुक गए। घोड़े ने संभाविक मेधा का अर्थ होता है महक, जो से ही अपने स्वामी के पांवों की छाप को पहचान लिया था, मतलब उन्होंने घोड़े ने अपनी बुद्धि से का प्रयोग कर, जो अपने संभाविक बुद्धि थी या धारण करने की जो शक्ति थी, उससे क्या कर लिया, अपने स्वामी के पांवों की छाप को यानी कि चलने की आवाज़ जो आती है उससे उसको पहचान लिया था कि स्वामी बाहर है। वह जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती तोड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल का अर्थ होता है लंबे समय के पश्चात पुत्र को मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। वो उसे ऐसे गले लगे जैसे कि बहुत लंबे समय बाद एक पिता अपने पुत्र के गले लगता है, देखने के बाद लगता है। वो उसके हाथ फेरते थे, उसे सहलाते थे, थपकियां देते थे और बार बार एक ही बात दोहराते थे कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था, यानी कि जहां पर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं में उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर यानी कि एक दूसरे के साथ मिलाप हो गया था। दोनों के आंसुओं को उसी भूमि पर भूमि की मिट्टी पर एक दूसरे के साथ क्या हो गया बच्चे, मिलाप हो गया था।